खरगोन जिले में कुछ दिनों पहले मौसम में आए बदलाव के बाद आंधी तूफान और बारिश से गेहूं और चने की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इसी के चलते प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जिले के सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल खरगोन ने गोगावां तहसील के अंतर्गत ग्राम देवल गांव घुगरिया खेड़ी में गेहूं और चने की फसल का आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और किसानों को उचित मुआवजा मिले। भारतीय जनता पार्टी के युवा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने भी किसानों के हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजे के लिए सांसद से बात कर किसानों की समस्या का ध्यान आकर्षित करवाया। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ता बंधु और किसान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। विगत कुछ दिन पहले हमारे खरगोन बड़वाने में तेज आंधी कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे हमारे कई जगह को नुकसान हुआ है। मतलब कि हमारे जननायक आदरणीय जी के निर्देश पर इस प्रकार से जहाँ पर आंधी तूफान चले वहाँ पर सर्वे करने का निर्देश हुआ, और उसी तहत मैं आज खरगोन जिले के गुवाओं ब्लॉक में आया हूँ। मेरे साथ मंडल के अध्यक्ष जीतू भाई भी हैं, हमारे अन्य किसान वर्ग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। गेहूँ का, मक्का का, कहीं चने का काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका सर्वे का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर फसल बिल्कुल पकने की स्थिति पर थी और इस प्रकार की हवा आंधी चलने से नुकसान काफ़ी हुआ है, ये देखने में भी आया है। किसान का दर दर मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। सर्वे करके जो भी उत्पादन के बाद में जो लाभ मिल सकता है सरकार उनको उचित लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, उनको उसमें लाभ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।